अच्छा इसमें से कितना करंट निकलता है? ये इंसान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। ये तो लोग हमें कहते हैं कि कितना करंट निकलता है, हम कहते हैं आपको चेक करते हैं। जिस आदमी को हमने करंट लगा के चेक किया उसने कहा दे दो, ले लिया उसने, खरीद लिया। ये बनाने वाले ने बड़े सोच समझ कर बनाया है कि आदमी डर भी जाए, उसको करंट भी लग जाए और मर भी ना जाए। आपका दिफा भी हो जाता है, आदमी भी भाग जाता है, तो इतना ही काफ़ी होता है। मैंने टेज़र रिसेंटली नहीं लिया, इवन तो मुझे पता है कि काफ़ी लोगों ने आफ्टर ये मोटर में इंसिडेंट ही ख़रीदा था। मैंने लिया था बहुत पहले, मेरे ख्याल में तकरीबन 2 साल हो गए इसको, और मेरी वजह लेने की यही थी कि पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई थी, इस्पेशली अगर आप एक औरत हैं जो काम पर निकलती हैं या रोज़ाना वैसे बाहर सड़क पर जाती हैं, तो हरासमेंट बहुत बढ़ गई थी, स्ट्रीट कॉलिंग बहुत। रियलाइज़ करने में इतना टाइम लगता है कि आई थिंक जब तक आप टेज़र पुल आउट करते हैं वो इंसिडेंट ख़त्म ही हो चुका होता है, जिसकी वजह से मैं इसको कॉन्स्टेंटली अपने हाथ में ही रखती हूँ और ऑन रखती हूँ जब मैं ट्रैवल या कम्यूट कर रही होती हूँ। कि जब आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए तो आप अपने होशोहवास में नहीं होते कि आप फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर सकें ऐसे वाक्य को। मुझे लगता है कि आपको हर तरह का डिफेंस टैक्टिक आना चाहिए, किसी तरह का भी आना चाहिए, ताकि आप भाग सकें ऐसे इंसिडेंट के होते वक्त। ख्वातीन बहुत ज़्यादा आके ले जा रहे हैं और ख्वातीन को ज़्यादा फिक्र है। हमारे मुल्क में ख्वातीन का हिफाजत इतना नहीं है, कानून है लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं। लॉ जो है वो अलाउ नहीं करता वेपन कैरी। आप कौन सा कर सकते हैं जो लाइसेंस्ड वेपन है, लेकिन डिस्प्ले वो वेपन तो किसी सूरत भी अलाउ नहीं है, उस पर लीगल एक्शन लिया जाता है। तो मैं ये कतन रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप कोई ऐसी चीज़ें साथ लेके चलें, कोई चाहे वो लीथल वेपन है नॉन लीथल वेपन है, जो कि हमारे लॉ में अलाउ नहीं है, जिसके ऊपर पनिशमेंट है। तो हमें फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। और बाकी जो चीज़ें रही कि स्मगल होकर आ रही हैं, तो उस पर वो डिफरेंट जो एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं वो डेफिनेटली उस पर एक्शन ले रही होंगी। ख़वातीन को चाहिए कि जब वो अपने घरों से निकलती हैं तो सबसे पहले एक तो घर वालों के साथ कांटेक्ट में रहें, उनको पता हो कि उनको बता के जाएं कि जी हम फ़लाँ जगह पर जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन आजकल हर एक के पास होते हैं, वहाँ उसको भी चेक करना चाहिए, उसकी बैटरी चार्जिंग वगैरह मुकम्मल है या नहीं। फिर गाड़ी, अगर खुद गाड़ी ड्राइव कर रही हैं तो गाड़ी को चेक ज़रूर करना चाहिए। रूट का लाजमी पता होना चाहिए कि आप कौन से रूट पर जा रहे हैं, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन कुछ उनको ऐसा चीज़ दिख रही है जो कि उनको लग रहा है कि कुछ सस्पिशियस हो सकती है, कोई सस्पिशियस बंदे उनको दिख रहे हैं, तो वो फौरी तौर पे पुलिस को रिपोर्ट करें। इसके अलावा अगर पेपर स्प्रे अपने पास रखें या बॉडी स्प्रे, उसका इस्तेमाल करना इनको आना चाहिए। मैं समझती हूँ कि सबसे पहले हमें जो है ना वो डिफरेंट जो जैसे मार्शल आर्ट्स हैं, कराटे, इन चीज़ों पर मेरा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये चीज़ें हर बच्चे को, खातून है चाहे वो बच्ची या बच्चा है, हमें बचपन से ही उनको सिखा देनी चाहिए।